हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने एक वीडियो सीरीज को शुरू किया था प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से। उसमें मैं ऑलरेडी 2016, 17, 18, 19, 20, 21 इन ईयर्स के पेपर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो भी इंग्लिश लिटरेचर से स्टूडेंट है उनको बहुत फायदा मिलने वाला है इन वीडियो से, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स इस टाइम पे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेट का एग्जाम हो, नेट, गेट, TGT या PGT, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, वो जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेट करता हो, उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इन वीडियो से। तो आप भी अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इन पेपर्स को अच्छे से सोल्व कीजिए, ताकि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो आज की इस वीडियो में हम 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश लिटरेचर का, उसकी मॉर्निंग शिफ्ट को हम डिस्कस करेंगे, और जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम इवनिंग शिफ्ट को भी कवर करेंगे। तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है इन वीडियो से। और अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, आप पास्ट ईयर के जो पेपर हैं उनको एनालाइज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन वीडियोज़ का। सारी की सारी आपको वीडियोज़ प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है, तो उसमें जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम 2023 के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। इसमें से ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कौन सी पोएम लिखी है, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले ऑप्शन दिए गए हैं। ए डेजर्टेड विलेज, ए डेजर्टेड विला और द डेजर्टेड विलेज। तो इसमें द डेजर्टेड विलेज पोएम का नाम है जो लिखा है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। तो इससे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, जो थीम पूछी गई थी, तो इसमें डेजर्टेड विलेज की जो थीम है वो रूरल डीपॉपुलेशन की थीम है इसमें। तो इसमें ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। ट्रिब्यूट टू पापा इज ए बुक ऑफ पोएम्स रिटन बाय, इस बुक को लिखा है ममता कालिया ने। और ये जो बुक है ट्रिब्यूट टू पापा, ये डील करती है, जो इसमें समझाने की कोशिश कर रही है ममता रीडर्स को, कि जो हार्डशिप है बीइंग ए वुमेन होने के साथ साथ जो हार्डशिप उसको फेस करनी पड़ती है उसके बारे में डिस्कस किया है। सी पोर्ट्रेस मैन डोमिनेंस ओवर ऑल द मैटर्स ऑफ लाइफ, कि आदमी किस तरह से डोमिनेट करता है वुमेन के ऊपर, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया है ममता कालिया ने इस बुक में ट्रिब्यूट टू पापा में, ठीक है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय सिल्विया प्लेथ। इसमें सिल्विया प्लेथ की पोएम कौन सी है, कौन सी नहीं है, सॉरी नॉट रिटन है। तो लेडी लेजार्स सिल्विया प्लेथ की है, एरियल भी इसने लिखा है, टेडी भी इसने लिखा है, ये टू एरियल इसमें नहीं है, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही होगा फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है। देन नेक्स्ट, रॉबर्ट बार्न्स वॉज बोर्न इन, रॉबर्ट बार्न्स जो है वो स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे। ये रॉबर्ट बार्न्स को पीजेंट पोएट और प्लोमेंट पोएट भी बोला जाता है। ही वॉज बोर्न इन स्कॉटलैंड। देन नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर पर्सोनिफाई नेसेसिटी इन पीबी सेलेज प्रोमेथियस अनबाउंड। पीबी सेले का वर्क है जो एस्किलस की ट्रेजेडी है, ये उस पर बेस्ड है प्रोमेथियस अनबाउंड। तो इसमें डेमोगोर्जन जो ये कैरेक्टर होता है ये पर्सोनिफाई करता है नेसेसिटी को, और डेमोगोर्जन ये एक स्पिरिट है ऑफ द अंडरवर्ल्ड, ही रिप्रेजेंट एटर्नल फोर्स इन नेचर। सो डेमोगोर्जन पर्सोनिफाई नेसेसिटी इन पीबी सेलेज प्रोमेथियस अनबाउंड। तो इसमें ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग आफ्टर वॉचिंग द परफॉर्मेंस ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले ए मिडसमर नाइट ड्रीम ऑब्जर्व दैट इट इज द मोस्ट इंस्पिर्ड रेडिकुलस प्ले दैट आई हैव एवर सो इन माई लाइफ। कौन सा एक ऐसा राइटर है जिसने ऐसा बोला है विलियम शेक्सपियर के इस प्ले के बारे में कि एक बिल्कुल ही स्टूपिड प्ले था, रेडिक्यूल किया है इस प्ले को। यह है सैमुअल पेपेस। सैमुअल पेपेस और जॉन एवलिन बहुत ही फेमस डायरी राइटर हैं। इनकी डायरी की टाइमिंग ध्यान रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सैमुअल पेपेस की डायरी 1660 से लेकर 1669 तक के ईयर को कवर करती है, और जॉन एवलिन की डायरी 1641 से 1697। तो ये सैमुअल पेपेस फेमस हुआ था डायरी के लिए, और जॉन एवलिन भी फेमस था अपनी डायरी के लिए। तो इसने, सैमुअल पेपेस ने 1665 में जो लंदन में प्लेग फैला था वो भी मेंशन किया अपनी डायरी में। 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन, बहुत सारे घर जो है वो जलकर बिल्कुल राख हो गए थे। तो 1666 में लंदन में आग लगी थी, उस इंसिडेंट को भी मेंशन किया है। और 1667 में डच को हराया था इंग्लैंड में, वो भी इंसिडेंट मेंशन किया है, ठीक है। तो ये याद रखना ये ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है फिर, नेम द प्लेराइट हु रोट द प्ले एपिकॉइन ऑन द साइलेंट वुमेन। ये किसने लिखा है, साइलेंट वुमेन,
बेन जॉनसन ने लिखा है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन कहानी का कैरेक्टर है, वो डेफ्यून नाम है उसका, डेफ्यून। और जो इसका एक चाचा होता है, अपने अंकल की वो शादी करवा देता है। उसको कोई भी ऐसी वुमेन पसंद नहीं थी जो बोलती हो, तो वो एक साइलेंट वुमेन बनाकर लाता है एक लड़के को, एपी कोइन नाम का लड़का होता है ये, ठीक है। वो अब उसकी प्रॉपर्टी छीनने के लिए ये इस प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करता है डेफ्यून। ये कॉमेडी है, ह्यूमरस कॉमेडी बाय बेन जॉनसन। नेक्स्ट है अभिजन शकुंतलम मेक्स द यूज ऑफ फॉलोइंग फोर लैंग्वेज। अभिजन शकुंतलम जो है वो चार लैंग्वेज से बना है। ये कालिदास का एक वर्क है। ये चार इसमें लैंग्वेज है, संस्कृत, सौरसेनी, महाराष्ट्री एंड मगधी। ये चार लैंग्वेज है इसमें, फोर्थ ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले राइट हु कंट्रीब्यूटेड टू द मूवमेंट कॉल्ड किचन सिंक ड्रामा। ये किचन सिंक ड्रामा क्या होता है, इसमें जो पहले तो देखो 1950 से लेकर 1960s में ये एमर्ज हुआ था इंग्लैंड में। और इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उसको एज ए एंग्री यंग मैन डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि एक वर्क है जॉन ऑसबोर्न का, लुक बैक इन एंगर, तो वो किचन सिंक ड्रामा का एग्जाम्पल है। तो इसमें जो जो ऑथर है, इसमें जॉन ऑसबोर्न है, आर्नोल्ड वेस्कर है, सेलिक डेनली है और जॉन आर्डन है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही है। ये ऑथर है जो इस मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्ले विच मेड सिग्निफिकेंट यूज ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक। एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक कौन सी होती है, इसमें आर्टिस्ट एक्सप्रेस करता है इमोशनल एक्सपीरियंस को रादर देन फिजिकल रियलिटी, ठीक है। फिजिकल रियलिटी की बजाय इसमें इमोशनल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस किया जाता है। ये हाईली सब्जेक्टिव होती है नेचर में और नॉन रियलिस्टिक फॉर्म होती है। इसमें कैरेक्टर जो है वो अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी का नाम जो है उसके नाम से उसको नहीं बुलाया जाता, जैसे द फादर या फिर द सन, इस तरह से बुलाया जाता है उनको। तो इसमें द हेरी एप है, एम्परर जॉन, रैपिड ट्रांजिस्ट एडिंग मशीन, ये सारे आते हैं एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक में, फोर्थ ऑप्शन वाला। इसमें चारों वर्क आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम बर्टोल्ट ब्रेस्ट अदर्स हु हैव इन्फ्लुएंस्ड एपिक थिएटर। बर्टोल्ट ब्रेस्ट के अलावा एपिक थिएटर में और कौन कौन से ऑथर इससे एसोसिएट करते हैं, तो इसमें एपिक थिएटर में जो एक्टर जो रोल प्ले करते हैं वो मल्टीपल रोल प्ले करते हैं और एक्टर इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्ट ऑडियंस से एंड डायरेक्ट एड्रेस टू सोशल इश्यूज, ये होता है एपिक थिएटर में। तो इसमें बर्टोल्ट ब्रेस्ट के अलावा और जो है वो आरविन पिस्केटर है और मैक्स रेंडर्ट है, ये आएंगे इसमें थर्ड ऑप्शन वाले। नेक्स्ट है फिर द थियोलॉजिकल ट्रीटाइज इक्लिजिस्टिकल पॉलिटी वॉज रिटन बाई। इक्लिजिस्टिकल पॉलिटी किसने लिखा है, इसका जो फुल टाइटल है वो है ऑफ द लॉज ऑफ इक्लिजिस्टिकल पॉलिटी, इस वॉज रिटन बाई रिचर्ड हुकर। एलिजाबेथन प्ले राइट है ये रिचर्ड हुकर, इन्होंने इसको लिखा है इक्लिजिस्टिकल पॉलिटी को। नेक्स्ट है हु रोट द पॉपुलर इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर फिशरमैन टाइटल द कंप्लीट एंगलर और द कंटेम्पलेटिव मैंस रिक्रिएशन। ये फिशरमैन की कहानी है कंप्लीट एंगलर, इसको लिखा है इजाक वोल्टन ने, 1653 में इसको लिखा गया है। तो इसकी डेट भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पहले पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है व्हाई डिड मैथ्यू सॉरी व्हाट डिड मैथ्यू आर्नोल्ड इम्प्लाई बाय द टर्म हिब्रिडिज्म इन हिज कल्चर एंड अनार्की। इसने कल्चर एंड अनार्की में हिब्रिज्म और हेलेनिज्म के कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो हिब्रिज्म क्या होता है, हिब्रिज्म स्पीक्स ऑफ बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द सिन एंड कीपिंग अवे फ्रॉम इट, मतलब सिन से अवे रहना, दूर रहना, ठीक है, किसी तरह के जो पाप है वो ना करना। ये एक मॉरल जो एजुकेशन है, ठीक है, मॉरल एजुकेशन है ये, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसमें। देन नेक्स्ट है द जनरल स्क्रूटिनी वॉज फाउंडेड इन 1932 बाई। ये स्क्रूटिनी एक जर्नल का नाम है, मैगजीन का नाम है, इसको एफ आर लेविस ने और एलसी नाइट ने, इन दोनों ने इसको फाउंड किया है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद है सैमुअल पेपेज क्लेम टू फ्रेम द रेस्ट ऑन हिज। सैमुअल पेपेज मैंने पहले आपको बताया था कि ये डायरी के लिए फेमस है, ठीक है। इनकी डायरी की टाइमिंग थी 1640 से 1669 के बीच में, तो ये डायरी के लिए इनको फेम मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर प्रिमरोज इज ए कैरेक्टर इन। डॉक्टर प्रिमरोज कैरेक्टर कहाँ पे है, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ की एक नॉवल है द वाइकर ऑफ वेकफील्ड।
ठीक है, ओलिवर गोल्डस्मिथ के पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी जो इस पेपर में पूछा गया था कि ये टाइटल का नाम क्या है ओलिवर गोल्डस्मिथ का, द डेजर्टेड विलेज, और पिछली बार भी इससे क्वेश्चन आया था, उसकी थीम पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो ओलिवर गोल्डस्मिथ का जो वर्क है द डेजर्टेड विलेज, उसकी थीम है रूरल डीपॉपुलेशन पे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ये डॉक्टर प्रिमरोज कैरेक्टर है कहाँ पे, द वाइकर ऑफ वेकफील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है फिर 19th क्वेश्चन। सो द बेबी वॉज कैरिड इन ए स्मॉल डील बॉक्स अंडर द एंशियंट वुमन शॉल टू द चर्च यार्ड दैट नाइट एंड बरीड बाय द लेंटर नाइट। इसमें कुछ की वर्ड है ये ध्यान रखना, लेंटर नाइट एट द कॉस्ट ऑफ सीलिंग एंड ए पिंट ऑफ बियर टू द सेक्सटन इन दैट सेबी कॉर्नर ऑफ गॉड्स अलॉटमेंट वेयर ही लेट्स द नेटल्स ग्रो एंड वेयर ऑल द अनबेप्टाइज इन्फेंट नोटोरियस ड्रंक सुसाइड एंड others of the conjecturally demented are led for which novel is this excerpt taken, ye kahan se liya gaya hai। to dekhiye wuthering heights mein aisa nahi hai ki kisi infant ki death ho jati hai ya usko buried kiya jata hai, aur test mein dekho test mein ye story hai, jab is test ye ladki hai jab iska rape hota hai, alec iska rape kar deta hai, aur jab ye ghar jati hai ye uske rape ke baad ye ladki pregnant ho jati hai aur fir ये एक बेबी को जन्म देती है। तो ये जब उसको अपने घर पे उसको बैप्टाइज करने की बात कर रही है तो उसका फादर जो है उसको बैप्टाइज करने से मना कर देता है, उसका नामकरण करने से वो मना कर देता है क्योंकि उसको डर है सोसाइटी में कि उनकी क्या इज्जत रहेगी। तो थॉमस हार्डी ने टेस्ट में दिखाने की कोशिश की है कि अनमैरिड जो लड़की है उसको एक बेबी होता है तो उसकी कंडीशन किस तरह से लोग उसको ट्रीट कर रहे थे, उसकी क्या कंडीशन थी, उसके उसकी डेथ हो जाती है ना, जब उस बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको अंतिम संस्कार करने के लिए भी उसका मना कर दिया जाता है। तो बाद में वो बरीड बाय द लैंटर्न नाइट, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वो उसको कैसे दफनाती है, जब रात को कोई नहीं देख रहा होता है तब उसको दफनाती है ये टेस्ट उस लड़के को। ठीक है, तो ये है स्टोरी टेस्ट में। उसके बाद है फिर Which of the following novel is written by Patrick White? इसमें से Patrick White की novel कौन सी है? Cry the Beloved Country, इसको लिखा है Cry the Beloved Country लिखा है Alan Paton ने, Alan Paton ने, और The V.V. Sector है Patrick White का, और Handmaid's Tale ये Margaret Atwood का है, Canadian author है। The Stone Angel इसको लिखा है स्टोन एंजल को मार्गरेट लॉरेंस ने, तो ये भी क्रॉस होगा। वीवी सेक्टर जो है ये नोवेल है पैट्रिक वाइट की, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय कमला मार्कंडा, कमला मार्कंडा का वर्क कौन सा है? सम इनर फ्योरे ये लिखा है कमला ने, और द नोवेयर मैन भी लिखा है कमला मार्कंडा ने, ए टाइम टू बी हैप्पी इट वॉज रिटन बाय नयन तारा सहगल, इसको नयन तारा सहगल ने लिखा है, और द गोल्डन हनीकॉम्ब ये भी कमला मार्कंडा का है। तो ये क्या पूछा गया था, इसमें कौन सा नहीं है, तो ये थर्ड वाला कमला मार्कंडा का वर्क नहीं है, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर रिवॉल्यूइंग द मासेस एज सोर्स एंड सब्जेक्ट ऑफ लिटरेचर, किसने ये रिवील किया है कि मासेस जो है यानी कि जो साधारण लोग होते हैं वो सोर्स होते हैं एंड सब्जेक्ट होते हैं लिटरेचर का। तो मासेस की बात की है, पॉपुलर कल्चर और हाई कल्चर की बात की है रेमंड विलियम्स ने अपने वर्क में। तो रेमंड विलियम और रिचर्ड होगार्ट फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। तो रेमंड विलियम, रिचर्ड होगार्ट, स्टुअर्ट हॉल ये कल्चरल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फिर हु अमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट हैज रिटन ऑन नैरेटिव एम्पैथी, नैरेटिव एम्पैथी पे किसने वर्क लिखा है? इसका फुल टाइटल जो है नैरेटिव एम्पैथी पे लिखा गया, ए थ्योरी ऑफ नैरेटिव एम्पैथी, इसको लिखा है सुजान केन ने, और इसमें सुजान केन ने स्टडी किया है कि लिटरेचर किस तरह से रीडर और ऑथर्स दोनों पे इमोशनली इम्पैक्ट डालता है, तो ऐसे डिस्कस किया है सुजान केन ने नैरेटिव एम्पैथी में, तो इसका ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट है फिर द साइंस दैट सिस्टमेटिकली स्टडीड द फंक्शन ऑफ साइन इज नोन एज, फंक्शन ऑफ साइन यानी कि साइन की स्टडी को क्या बोला जाता है? सिमेंटिक्स ये होती है वर्ड्स की स्टडी, ठीक है, इसको सिमेंटिक बोलते हैं। स्क्रिप्टोरिया, स्क्रिप्टोरिया होता है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है प्लेस फॉर राइटिंग, ए प्लेस वेयर बुक्स वर कॉपीड, ठीक है, उसको स्क्रिप्टोरिया बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। सिस्मियोग्राफी, सिस्मियोग्राफी होता है ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जब अर्थक्वेक के ड्यूरिंग ग्राउंड का जो मोशंस है उसको मेजर किया जाता है, इसको बोलते हैं सिस्मियोग्राफी, राइट। और सिम्योलॉजी होती है
फंक्शन ऑफ साइन यानी कि साइन की स्टडी को बोलते हैं सिम्बोलॉजी, तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ आएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट फ्रेम्ड ए थ्योरी ऑफ जनरल हर्मेनेटिक्स, जनरल हर्मेनेटिक्स की थ्योरी को सबसे पहले किसने फ्रेम किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्मेनेटिक्स क्या है, जो ट्रूथ और वैल्यू बाइबल में एक्सप्रेस किए गए हैं उनको उनको डिस्कस करना, उनको इंटरप्रेट करना, इसका मतलब होता है हर्मेनेटिक्स, ठीक है। और सबसे पहले ये जनरल हर्मेनेटिक्स की थ्योरी को फ्रेम किया है फ्रेडरिक स्क्लेमार्सर ने, फ्रेडरिक स्क्लेमार्सर, ये इसका राइट आंसर होगा थर्ड वाला। उसके बाद रोला बार्थ इमेज म्यूजिक टेक्स्ट वॉज पब्लिश्ड इन, इसको 1977 में पब्लिश किया गया था, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन ठीक है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश द कॉन्स्टेटिव्स फ्रॉम द परफॉर्मेटिव्स, कॉन्स्टेटिव्स और परफॉर्मेटिव इन दोनों में डिस्टिंग्विश किसने किया है, अंतर किसने डिस्क्राइब किया है। कॉन्स्टेटिव किसी भी फैक्ट को बताता है, ठीक है, जैसे ट्रू या फॉल्स की बात होती है तो उसको कॉन्स्टेटिव बोलते हैं, और परफॉर्मेटिव जो है वो फैक्ट की बात नहीं करता बट कुछ करने के लिए इंस्पायर करता है। एंड जॉन ऑस्टिन वॉज द फर्स्ट फिलोसफर एंड लिंग्विस्टिक हु एलैबोरेट द परफॉर्मेटिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज विच डेवलप द स्पीच एक्ट थ्योरी, स्पीच एक्ट थ्योरी को भी डेवलप किया है जॉन ऑस्टिन ने। और ये भी वर्क पहले, ये पहले पूछा गया है स्पीच एक्ट थ्योरी जो है वो किससे एसोसिएट करती है, जॉन ऑस्टिन जो है ये है जो डिस्टिंग्विश करता है कॉन्स्टेटिव और परफॉर्मेटिव के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है फिर, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन द फ्रेज सॉफ्ट कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म की ही ये एक फॉर्म है सॉफ्ट कैपिटलिज्म, इसको दिया है निगेल थ्रिप ने, ये इस फ्रेज को सॉफ्ट कैपिटलिज्म को कॉइन किया है निगेल थ्रिप ने। टू हुम द टर्म थिक डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट, ये क्या एट्रीब्यूट करती है, थिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये जो सोशल एक्शन होते हैं ना, ह्यूमन के सोशल एक्शन जैसे कि फिजिकल बिहेवियर है, इनको डिस्क्राइब करते हैं उसको बोलते हैं थिक डिस्क्रिप्शन, और इसको ये टर्म जो है ये कॉइन की है क्लिफोर्ड गिट्स ने, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कल्चरल स्टडीज इज एमर्ज्ड एज ए प्रोटो डिसिप्लिन इन द 1916 वाज प्रीडोमिनेंटली एक्सप्लोरेशन ऑफ, सब्जेक्ट मैटर जो कल्चरल स्टडी का सब्जेक्ट मैटर है वो एमर्ज्ड हुआ एज ए प्रोटो डिसिप्लिन इन 1960 में, और ये एक्सप्लोरेशन थी किसकी। देखो जब कल्चरल स्टडी जो है उसकी स्टडी ये स्टार्ट हुई थी 1960s या 50s के आसपास, तो ये एमर्ज हुआ था वैसे 1960s में है, 1964 में जो ट्रिपल सी एस पहला इसका सेंटर बनाया गया था कल्चरल स्टडी का, तो इसमें स्टडी किसको किया गया था, हाई कल्चर को नहीं किया गया था, पॉपुलर कल्चर को, यानी कि जो मासेस हैं उनको स्टडी किया गया था, ठीक है, तो इसमें पॉपुलर कल्चर आएगा। आगे फिर क्वेश्चन आ गया ट्रिपल सी एस, व्हाट डज द एब्रिवेटेड टर्म ट्रिपल सी एस स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल स्टडी, ट्रिपल सी एस की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे क्या है। देखो मैंने कई बार पहले भी वीडियो में बताया है, एक कल्चरल स्टडी पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है, शॉर्ट वीडियो में बताया है ट्रिपल सी एस का मतलब क्या है, पहले डायरेक्टर कौन थे, कहाँ पे ये शुरू हुआ था, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले इसका मतलब होता है सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडी, और इसको फाउंड किया था रिचर्ड होगार्ट ने, रिचर्ड होगार्ट, और कहां पे किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट डायरेक्टर बना था रिचर्ड होगार्ट, 1964 में इसको फाउंड किया गया था, और सेकंड इसका डायरेक्टर बना था स्टुअर्ट हॉल, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे है, अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट हॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश प्लेड ए सेमिनल रोल इन कल्चरल स्टडीज, इसका कल्चरल स्टडी में कौन सा कॉन्सेप्ट है जो सेमिनल रोल प्ले करता है, ये है हेजीमनी, हेजीमनी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, एंटोनियो ग्राम्सी ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पहले, हेजीमनी किससे एसोसिएट करता है, एंटोनियो ग्राम्सी, तो स्टुअर्ट हॉल ने बोला था कि ये जो हेजीमनी है ये रोल प्ले करता है, सेमिनल रोल प्ले करता है कल्चरल स्टडी में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। आगे है फिर, द बुक पॉलिटिकल शेक्सपियर एसे इन कल्चरल मटेरियलिज्म वो जॉइंटली एडिटेड बाय, जॉइंटली किसने एडिट किया है इसको, पॉलिटिकल शेक्सपियर को, ये बुक है जिसको एलन सिनफील्ड और जोनाथन डेलीमोर इन दोनों ने कोलेबरेशन में इसको एडिट किया है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सेकेंड वाला। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वर्क विच हैज नॉट बीन ऑथर्ड बाय द फेमस कल्चरल क्रिटिक
रेमंड विलियम, इसमें से कौन सा रेमंड विलियम का वर्क नहीं है? द कंट्री एंड द सिटी, कंट्री एंड द सिटी किसका है? रेमंड विलियम का है, ये तो सही है। कल्चर एंड सोसाइटी भी रेमंड विलियम का है, ये भी सही है। मॉडर्न ट्रेजेडी भी रेमंड विलियम का ही है। और द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास, ये है ईपी थॉम्सन का, ईपी थॉम्सन ने लिखा है इसको, तो ये क्रॉस होगा यहाँ पे। और नॉट पूछा गया है तो यही राइट आंसर होगा, फोर्थ वाला। अब सेकंड लैंग्वेज का ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड लैंग्वेज क्या है? व्हाट सेकंड लैंग्वेज इज द लैंग्वेज सेकंड इन इंपॉर्टेंस इन टर्म ऑफ द यूज ऑफ लैंग्वेज बाय लर्नर, जो लैंग्वेज लर्नर के द्वारा यूज की जाती है वो सेकंड लैंग्वेज नहीं, लर्नर के द्वारा तो फर्स्ट लैंग्वेज भी यूज की जाती है, तो ये क्रॉस होगा। द लैंग्वेज यूज बाय ए सेकंड जनरेशन लर्नर, क्या सेकंड जनरेशन का जो लर्नर है वही सेकंड लैंग्वेज को यूज करेगा? ये भी गलत है। एनी लैंग्वेज अदर देन लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज, देखो कोई भी लैंग्वेज हो जो लर्नर की नेटिव लैंग्वेज या उसकी मदर टंग से दूसरी लैंग्वेज होती है अदर देन, ठीक है, तो मदर टंग जैसे हमारी हिंदी है या नेटिव लैंग्वेज हमारी हिंदी है, तो उसके अलावा हम जो दूसरी लैंग्वेज यूज करते हैं जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज होगी, तो ये इसकी डेफिनेशन सही है सेकंड लैंग्वेज की। जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है या जो मदर टंग होती है उसके अलावा जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसको हम सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हेन ए लर्नर सेकंड लैंग्वेज लर्निंग सिस्टम सेम्स टू फ्रीज और गेट स्टक एट सम मोर और लेस डेविएंट स्टेज, दैट फिनोमिना इज नोन एज, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? जब हम सेकंड लैंग्वेज लर्न करते हैं तो हम एकदम से फ्रीज हो जाते हैं या स्टक हो जाते हैं, एक जगह पे रुक जाते हैं जाके, क्यों? तो ये क्यों रुकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? क्या इसको फ्रीजर बोलते हैं? नहीं, इसको फोसिलाइजेशन बोलते हैं। तो फोसिलाइजेशन, देखो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। फोसिलाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, इनकरेक्ट लैंग्वेज बिकेम ए हैबिट एंड कैन नॉट इजीली करेक्टेड। कई बार हम लैंग्वेज सीखते हैं तो हम गलत लैंग्वेज इनकरेक्ट यूज करते हैं उस लैंग्वेज को, और यूज करते करते उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, लेकिन फिर उसको करेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, वहां पे हम जाके गेट स्टक हो जाते हैं या फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है, इसको फोसिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन सेकेंड ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेग्रेटिव मोटिवेशन रेफर टू, इंटेग्रेटिव मोटिवेशन होती है सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, खुद के लिए। लैंग्वेज लर्निंग फॉर इमीजिएट गोल, इमीजिएट गोल के लिए नहीं होता, क्रॉस होगा। लैंग्वेज लर्निंग फॉर प्रैक्टिकल गोल, इसके लिए भी नहीं होगा। लैंग्वेज लर्निंग फॉर, देखो पर्सनल ग्रोथ दिया गया है, सेल्फ प्रोग्रेस की बात की थी मैंने, तो पर्सनल ग्रोथ सेल्फ एक ही बात है ये, एंड कल्चरल इनरिचमेंट, तो ये इसका सही है। इंटेग्रेटिव मोटिवेशन जो है वो पर्सनल ग्रोथ के लिए होती है। नेक्स्ट, इन 1835 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिशियल लैंग्वेज पहले कौन सी थी, और फिर बाद में इंग्लिश को रिप्लेस कर दिया गया था 1835 में उसकी जगह पे। पहले लैंग्वेज थी अरेबिक, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया पे रूल करती थी उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी, अरेबिक, और बाद में इंग्लिश को उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया गया था 1835 में, जब मैकाले मिनट्स आया था। मैकाले मिनट्स के बाद इंडियन एजुकेशन जो है उनको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सिखाई जाए, इस तरह की चीजों पे ध्यान दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इज द कॉलोनियल पीरियड रेफर टू द मिशनरी क्लास 1698, इसको मैग्ना कार्टा नहीं बोला जाता, मैग्ना कार्टा बोला गया है जो वुड डिस्पैच आया था 1854 में, उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंडियन एजुकेशन का। आगे है फिर, द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इन द कॉलोनियल इंडियन एजुकेशन कमीशन इन 1882 में आया था सेडलर कमीशन, उसको भी मैग्ना कार्टा नहीं बोला जाता। द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इन द कॉलोनियल पीरियड रेफर टू मैकाले मिनट 1835, ये भी मैग्ना कार्टा नहीं है। द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इन द कॉलोनियल पीरियड रेफर टू द वुड डिस्पैच ऑफ 1854, ये बिल्कुल सही है, जो वुड डिस्पैच आया था 1854 में उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंडियन एजुकेशन का, तो इसमें आएगा फोर्थ ऑप्शन। Which of the following plays of William Shakespeare was translated into Bengali and directed by Girish Chandra Ghosh? Girish Chandra Ghosh एक Bengali writer है। William Shakespeare का एक play translate किया है Bengali language में, Macbeth को। Next,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ ब्राउनिंग आर प्योर ड्रामास। इसमें प्योर ड्रामा कौन कौन से है? एक तो स्ट्राफोर्ड प्योर ड्रामा है जिसका सबटाइटल है ए ड्रामा, द लास्ट राइड टुगेदर नहीं है, ए ब्लॉट इन द स्कुलचियन, ये है प्योर ड्रामा की फॉर्म। पिप्पा पासिज एक फोर एक्ट प्ले है, ये ड्रामा नहीं है। पोर्फियाज लवर भी नहीं है, तो ए और सी आएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। आगे Who among the following poets have lived in Australia? ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पोइट रहे हैं? जुडिथ राइट ऑस्ट्रेलिया से हैं। यूसुफ कोमुनियाका ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, इनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की एक ऑथर है, एक नॉवलिस्ट थी, मैंडी सायर। मैंडी सायर इसके साथ इसकी शादी हुई थी और काफी लंबे टाइम तक ये साथ में रहे थे, ऑलमोस्ट 10-11 साल तक, बट वो शादी उनकी फिर खत्म हो जाती है। ये यूसुफ एक इंडियन ऑथर, इंडियन नेटिव की एक ऑथर है, उससे फिर ये शादी कर लेता है। इनकी एक बच्ची भी होती है, लेकिन इसकी वाइफ भी बाद में एक सुसाइड कर लेती है। वो सुसाइड मर्डर होता है, पहले वो उस बच्ची का मर्डर कर देती है, बाद में खुद सुसाइड कर लेती है। ठीक है, तो ये यूसुफ भी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो कैथ वॉकर ऑस्ट्रेलियन है। थॉमस किंसुला ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहे। टी एस एलियट ये जो अमेरिकन ब्रिटिश राइटर है, तो इसमें आएगा ए बी और सी ऑप्शन सेकंड, राइट। नेक्स्ट द एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, पॉप एसे ऑन क्रिटिसिज्म में पॉप ने क्या एनालिसिस किया है? एनालिसिस द कॉज ऑफ फॉल्टी क्रिटिसिज्म एंड प्रेज द ग्रेट क्रिटिक ऑफ द पास्ट। ग्रेट क्रिटिक को, पास्ट के जो क्रिटिक है उनको प्रेज किया है, सही है, और एनालाइज किया है कोज ऑफ फॉल्टी क्रिटिसिज्म, जो फॉल्टी क्रिटिसिज्म है उसके कोज क्या है। ठीक है, एनालिसिस द कोज ऑफ फॉल्टी क्रिटिसिज्म ये तो है ही, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्रिटिक, एक गुड क्रिटिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक गुड क्रिटिक के अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, जो राइटिंग में जो चीजें अच्छी है उनको अच्छा बताया जाना चाहिए, जो चीजें गलत है उनको गलत बताया जाना चाहिए। ठीक है, तो बायसनेस नहीं करनी चाहिए, ये गुड क्रिटिक की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है इसने, अलेक्जेंडर पोप ने। एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ गुड एसे, स्ट्रक्चर की बात नहीं की, प्रेज किया है क्रिटिक को, पास्ट के क्रिटिक को, लेकिन स्ट्रक्चर की बात नहीं की, तो ये यहाँ पे क्रॉस होगा। एनालिसिस द स्ट्रक्चर ऑफ गुड एसे, फिर स्ट्रक्चर की बात आ गई, ये क्रॉस हो जाएगा। एनालिसिस द मेरिट ऑफ द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की मेरिट के बारे में भी बात नहीं की है इसने। ठीक है, तो ए और बी ही आएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेस रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर, हैरोल्ड पिंटर के इसमें से कौन से वर्क है हैरोल्ड पिंटर ने जो लिखे हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करना है। हैरोल्ड पिंटर ने फैमिली वॉइसेस लिखा है, सही है, ए मून फॉर द मिसगॉटन, इसको यूजीन ओनील ने लिखा है, तो ये क्रॉस होगा। द रूम हैरोल्ड पिंटर ने लिखा है, बहुत बार रूम से क्वेश्चन आया है, और इसका एक प्ले है द बर्थडे पार्टी, हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर आजकल नेट वालों का फेवरेट बन चुका है, लगातार 3 साल से मैं देख रहा हूँ हैरोल्ड पिंटर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। नो मैंस लैंड भी लिखा है हैरोल्ड पिंटर ने, और क्रैप लास्ट स्टेप ये सैमुअल बेकेट का है, तो ये भी क्रॉस होगा इसमें। ए सी डी ऑप्शन थर्ड में है, राइट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट रिटन बाय महेश दत्तानी, महेश दत्तानी का वर्क कौन सा इसमें से नहीं है? डांस लाइक ए मैन ये किसका है? महेश दत्तानी का है। फायर एंड द रेन ये गिरीश कॉनरेड का है, क्रॉस होगा। ऑन ए मगी नाइट इन मुंबई महेश दत्तानी का है। ए टच ऑफ ब्राइटनेस इसको प्रताप शर्मा ने लिखा है, ये भी क्रॉस होगा। ब्रेवली फॉर द क्वीन ये महेश दत्तानी का, तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा नहीं है, एक सेकंड वाला नहीं है बी ऑप्शन पे, और एक डी ऑप्शन वाला नहीं है, तो बी और डी सेकंड में दिया गया है, राइट। नेक्स्ट नेम द ड्रामास विच फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एब्सर्ड थिएटर की कैटेगरी में कौन से आते हैं उनकी यहाँ पे बात करनी है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से प्ले जो है वो एब्सर्ड थिएटर में है, तो एब्सर्ड थिएटर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये प्ले फोकस करता है एग्जिस्टेंशियलिज्म पे, ठीक है, एंड एक्सप्रेस व्हाट हैपेंस व्हेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस लैक्स ऑफ मीनिंग और पर्पस एंड कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन। तो जहां पे जिस प्ले में एब्सर्डिटी की बात की जाती है, बिना लॉजिक के चीजों की बात की जाती है, बेतुकी चीजों की बात की जाती है, उसको बोलते हैं थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। इसमें सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया है मार्टिन एस्लिन ने, नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्टिन एस्लिन ने एक ऐसे लिखा था 1960 में द थिएटर ऑफ एब्सर्ड के नाम से,
इसमें ही ये टर्म कॉइन की गई है, और इसने जिन ऑथर की बात की है जो एब्जर्ड थिएटर से एसोसिएट करते हैं उनके नाम है, यहां पे मैं नाम लिख देता हूं, सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट, उसके बाद है आर्थर एडामो। आर्थर एडामो, यूजीन लेनेस्को, और जीन जेनेट। और फिर एक और ऑथर है, एक फिफ्थ प्लेराइट को भी इसमें ऐड किया गया था, वो थे हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर, देखो बर्थडे पार्टी लिखा है हैरोल्ड पिंटर ने, ये सही है। एंड गेम लिखा है सैमुअल बेकेट ने, ये भी इसके अंदर आता है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर। मिसेज वैरन प्रोफेसर नहीं आता। द रहिन क्योर्स, ये भी लिखा है इसने, यूजीन लेनेस्को ने लिखा है, ठीक है, तो ये भी आएगा इसमें। राइडर टू द सी जेम्स इज ने लिखा, ये नहीं आएगा, तो इसमें ए बी डी, ए बी डी है ऑप्शन थर्ड पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द प्लेराइट हैव बीन करेक्टली मैच्ड विद देयर वर्क्स। अब मैच करने हैं कौन कौन से वर्क्स जो है वो सही है। तो विलियम वाइचरले, विलियम वाइचरले ने लिखा है द राइवल्स, नहीं, राइवल इसने नहीं लिखा है, राइवल शेरिडन का वर्क है, तो ये क्रॉस होगा। बेन जॉनसन ने वॉलपोन लिखा है, ये बिल्कुल सही है। विलियम कॉन्ग्रीव ने द कंट्री वाइफ, कंट्री वाइफ तो वाइचरले का है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। एफ्रा बेन का द डच लवर है, सही है। शेरिडन ने ए स्कूल फॉर स्कैंडल लिखा है, ये भी सही है। ए डी ई, ए डी ई, सॉरी बी डी ई, बी डी ई दिया है ऑप्शन नंबर फोर्थ में, क्योंकि ए तो क्रॉस हो चुका है, ये फोर्थ वाला सही है इसमें। नेक्स्ट, चूज द प्ले रिटन बाय लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ने कौन सा प्ले लिखा है, लॉर्ड बायरन के प्ले बताने हैं। चारंडन प्लस है पहले, ये लॉर्ड बायरन का है। हेलास किसने लिखा है, मास्टरपीस वर्क है पीबी सैले का, क्रॉस होगा। केन लिखा है लॉर्ड बायरन ने, ठीक है। द टू फोस्कारी भी लॉर्ड बायरन ने लिखा है, और द सेंसी पीबी सैले ने लिखा है, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। तो इसमें ए सी डी, ए सी डी है फोर्थ ऑप्शन में, ये राइट होगा। नेक्स्ट, फिर जॉन बनियन ऑथर द फॉलोइंग, जॉन बनियन की बुक्स बतानी है कौन सी है। पिलग्रिम प्रोग्रेस बहुत ही फेमस एलिगरी है, 1678 में लिखी गई थी, ये एक रिलीजियस एलिगरी है जॉन बनियन की। ग्रेस अबंडिंग ऑटोबायोग्राफी है जॉन बनियन की, ये भी सही है। शॉर्ट भी लिखा है जर्मी कोलर ने, और होली वॉर को लिखा है जॉन बनियन ने, ये भी आएगा इसमें, ये क्रॉस हो जाएगा। और थॉट ऑन एजुकेशन, थॉट ऑन एजुकेशन को लिखा है विनोबा भावे ने, तो ये भी क्रॉस होगा। इसमें ए बी डी आएगा, ए बी डी है ऑप्शन फोर्थ में, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैज बीन ऑथर्ड बाय थॉमस डी क्विंसी। अब थॉमस डी क्विंसी के वर्क देखने हैं कौन से हैं। कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ऑपियम ईटर, ये है बिल्कुल सही है। द फ्रेंच रिवोल्यूशन है वर्ड्सवर्थ का और थॉमस कार्लाइल का, तो ये क्रॉस होगा। हुडिब्रा सैमुअल बटलर का है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी थॉमस डी क्विंसी ने लिखी है, सही है। और नेक्स्ट है फिर सस्पीरा डे प्रोफेंडिस, ये भी थॉमस डी क्विंसी का वर्क है, तो इसमें ए डी ई, ए डी ई आएगा ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैव बीन रिटन बाय थॉमस कार्लाइल। अब कार्लाइल की बुक पूछी गई कौन सी है, ऑफ हीरो एंड हीरो वर्शिप है, बिल्कुल सही है। फ्रेंच रिवोल्यूशन भी लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने भी लिखा है, और ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज इसको डब्ल्यू सोमरसेट मॉगम ने लिखा है, तो ये क्रॉस होगा। द आर एंड द मैन हैरियट, हैरियट मार्टिन्यू ने लिखा है इसको, ये भी क्रॉस होगा। हुडिब्रा सैमुअल बटलर का है, तो ये भी क्रॉस होगा। ए और बी लिखे हैं थॉमस कार्लाइल ने, ए और बी फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय जूलिया क्रिस्टीवा। जूलिया क्रिस्टीवा की बुक कौन कौन सी है, फ्रेंच क्रिटिक है ये, डिजायर इन लैंग्वेज, ये जूलिया क्रिस्टीवा की है। एल्यूमिनेशन वॉल्टर बेंजामिन का है, ये क्रॉस होगा। सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स को लिखा है पीटर कोल ने, तो ये क्रॉस हो जाएगा। और ले रेवोल्यूशन ड्यू लैंग्वेज पोइटिक, लैंग्वेज पोइटिक इसको भी लिखा है जूलिया क्रिस्टीवा ने, फ्रेंच टाइटल है ये। और द मैड वुमेन इन एटिक इसको सांद्रा गिलबर्ट और सुजान गुबार ने लिखा है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा इसमें, ए और डी। डिजायर इन लैंग्वेज ये और डी, ए और डी दिया है ऑप्शन थर्ड पे, तो थर्ड इसमें सही होगा।
आगे है फिर टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज न्यू हिस्टोरिसिज्म इनडेप्टेड, न्यू हिस्टोरिसिज्म की जो थ्योरी है वो इनडेप्ट है किसकी, मार्क्सिज्म से आया है ये, मार्क्सिज्म की होगी और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की होगी, फॉर्मलिज्म इसमें नहीं है, एग्जिस्टेंशियलिज्म नहीं है, हर्मेनेटिक्स नहीं है, तो ए और सी होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट साइबर पंक, साइबर पंक के बारे में ट्रू क्या है, साइबर पंक एक सब जॉनरा है साइंस फिक्शन का, ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ साइंस फिक्शन तो होगा, सही है। और इसमें और क्या होता है, हाई एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाता है, और साइबर पंक में टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक अचीवमेंट की बात की जाती है, और सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था ब्रूस बैटके ने, ब्रूस बैटके ने इसको कॉइन किया है। तो यूज पोस्ट मॉडर्निस्ट टेक्निक एंड पोस्ट ह्यूमनिस्ट थीम, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट टेक्निक है, जो आजकल जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, जो बड़े बड़े टावर्स बन रहे हैं, वो साइबर पंक के ही एग्जाम्पल है, इसी में आते हैं, हाई टेक्नोलॉजी का जहां पे यूज किया जाता है। इवेंट्स इन नोवल यूजली टेक प्लेस इन द वर्चुअल रियलिटी, ये भी सही है, इट इज ए काइंड ऑफ फिक्शन राइटिंग यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसमें यूज नहीं किया जाते। द फर्स्ट साइबर पंक वॉज रिटन बाय थॉमस स्टर्न, नहीं ये भी गलत है, तो ए बी सी आएगा इसमें, ए बी सी ऑप्शन थर्ड में है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, फिर पेयर देखने हैं कौन कौन से पेयर इसमें करेक्ट है। गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस ने द फिस्ट ऑफ द गॉड लिखा है, नहीं, फिस्ट ऑफ द गॉड लिखा है मारियो ललोसा ने, जिसको 2010 में नोबेल अवार्ड भी मिला है, इसको मारियो ललोसा को। और जॉर्ज लुइस बॉक्स द ऑटमन ऑफ द पैट्रियार्क, ऑटमन ऑफ पैट्रियार्क लिखा है गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस, गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस भी नोबेल अवार्ड ही है, इनको मिला है 1982 में नोबेल अवार्ड, ठीक है, फादर ऑफ मैजिकल रियलिज्म भी बोला जाता है गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस को। और फिर है सलमान रस्ती का द इंचेंटर ऑफ फ्लोरेंस, ठीक है, तो ऊपर वाला भी क्रॉस होगा, इंचेंटर ऑफ फ्लोरेंस लिखा है सलमान रस्ती ने, सही है। ई एल डॉक्टरोव ने रैग टाइम लिखा है, ये भी सही है। ए एस बाइट ने पोजेशन लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है, 1980 है शायद इसकी डेट, इसको भी बुकर अवार्ड मिला है पोजेशन के लिए, ए एस बाइट को। उसके बाद आगे है फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा की कौन सी बुक है इनमें से। देखो अरविंद अडिगा सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए है, 2008 में इनकी एक बुक है द वाइट टाइगर, जिसके लिए अरविंद अडिगा को बुकर अवार्ड मिला है, ठीक है, तो वाइट टाइगर देखो यहाँ पे दिया गया है ई ऑप्शन में, तो ई ऑप्शन तो इसमें आएगा ही आएगा। अब ई ऑप्शन देखो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। द ब्लू, एक बार और देख लेते हैं, द ब्लू बेड स्प्रेड किसने लिखा है, राजकमल झा ने लिखा है ये, बिटवीन द असैसिनेशन ये अरविंद अडिगा का है, द हाउस ऑफ द ब्लू मैंगोज, हाउस ऑफ द ब्लू मैंगोज डेविडर ने लिखा है, लास्ट मैन इन टावर ये भी ये इसने लिखा है अरविंद अडिगा ने, तो बी डी ई आएगा इसमें ऑप्शन सेकेंड पे। उसके बाद आगे है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट, अब इसमें करेक्ट कौन कौन से है, जेम कोइट जी साउथ अफ्रीका से है, बिल्कुल सही बात है, मार्गरेट एटवुड कैनेडियन ऑथर है, ये भी सही है, फिलिप रॉथ ऑस्ट्रेलिया से है, ये गलत है, फिलिप रॉथ जो है ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, आई थिंक ये अमेरिकन है फिलिप रॉथ, हाँ अमेरिकन नॉवलिस्ट है फिलिप रॉथ। और ओरहन पामुक तुर्की से है, सही है, ग्राम स्विफ्ट न्यूजीलैंड से नहीं है, ये भी इंग्लैंड ब्रिटिश से है, इंग्लैंड के हैं ये, ब्रिटिश ऑथर है, तो ए बी डी इसमें करेक्ट मैच किया गया है, ए बी डी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर के नारायण, आर के नारायण के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है, हिज द गाइड इज एन ओपन एंडेड नॉवल, देखो ओपन एंडेड नॉवल होती है जिसके अंदर क्लियर कट कंक्लूजन नहीं होता, क्लियर कट एंडिंग नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड नॉवल। तो क्या गाइड में क्लियर कट एंडिंग है, देखो लास्ट में जब राजू लगातार कई दिनों तक वो फास्ट रखता है और लास्ट में जब बारिश होती है तो वो हिल पे चला जाता है और वहां पे वो बेहोश होकर गिर जाता है और उसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है, उस कहानी में पता नहीं चलता कि राजू की डेथ होती है या वो जीवित रहता है या सिर्फ बेहोश होता है, ठीक है, तो ये गाइड जो है ओपन एंडेड नॉवल है, बिल्कुल सही बात है ये। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ हिज नॉवल आर फ्रॉम इलीट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्या उसके जो नॉवल के अंदर जो कैरेक्टर है वो इलीट क्लास से है, क्या वो हाई सेक्शन से है, नहीं, उसके जो कैरेक्टर है वो मिडिल क्लास से भी है, वो लोअर क्लास से भी है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी।
ही रोट ए शॉर्ट स्टोरी टाइटल द मार्टर्स कॉर्नर, ये लिखी है शॉर्ट स्टोरी इसने, ये सही है। ही रिसीव्ड द बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवल द वेंडर ऑफ स्वीट, आर के नारायण को बुकर अवार्ड मिला ही नहीं, ये गलत है। मालगुडी इज द रियल लाइफ सिटी इन कर्नाटका, क्या मालगुडी रियल लाइफ सिटी है कर्नाटका में? नहीं, ये सिर्फ फिक्शनल टाउन है, इसकी बुक्स जहां पे सेट की गई है, ये भी क्रॉस होगा। इसमें ए और सी यही दो ऑप्शन सही है, सेकंड में दिया गया है। आगे है फिर करेक्ट पेयर देखने हैं। जेसी रैंसम ने क्रिटिसिज्म इंक लिखा है, बिल्कुल सही है। विलियम एम्पसन ने सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्युटी लिखा है, ये भी सही है। क्लिंट ब्रुक्स एंड आरपी वैन अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, ठीक है ये भी सही है, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री भी इन्होंने लिखा है। और इन सर्च ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म, इन सर्च ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म लिखा है क्लिंट ब्रुक्स ने, ये गलत होगा। और एलन टेट द न्यू अपोलोजिस्ट फॉर पोएट्री, इसको म्यूरे कैरिगर ने लिखा है, ये भी गलत होगा। इसमें ए बी सी सही है ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट है थॉमस राइमर कॉइन द टर्म पोएटिक जस्टिस टू एम्प्लाई द फॉलोइंग, पोएटिक जस्टिस थॉमस राइमर ने टर्म कॉइन की है, जिसमें किसी पोएट्री में किसी बुक में जो इविल चीजें होती है उनको पनिश किया जाता है और जो अच्छे काम करते हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, इसको पोएटिक जस्टिस बोलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थली रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन प्रोपोर्शन ऑफ द वर्च्यू और वाइस ऑफ द वेरियस कैरेक्टर्स, ये बिल्कुल सही है, वर्च्यू किया जाता है और जो इविल कैरेक्टर है उनको पनिश किया जाता है। लिटरेरी वर्क गोन बाय द डिकोरम एंड मोरलिटी की बात होती है इसमें, ये भी सही है। गाइडेड बाय रैंडम वेज नहीं होते इसमें, ये गलत है। और मेटाफिजिकल नेचर भी नहीं होता इनका, ये भी गलत है। जस्टिफिकेशन ऑफ पोएट्री टू बी एन इंटीग्रल पार्ट, जस्टिफिकेशन करना इंटीग्रल पार्ट नहीं है पोएट्री के बारे में इसका, तो इसमें ए और बी ही सही होंगे, दोनों पहले ऑप्शन में दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर रिटन बाय रोला बार्थ, रोला बार्थ की बुक कौन सी है? तो पहला है एलेगरीज ऑफ रीडिंग, एलेगरीज ऑफ रीडिंग को लिखा है पॉल डी मैन ने, ये क्रॉस होगा। माइथोलॉजी रोला बार्थ का है, सही है। द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, ये भी रोला बार्थ ने लिखा है। सम वर्जन ऑफ पेस्टोरल विलियम एम्पसन ने, ठीक है तो ये भी क्रॉस होगा। व्हाट इज एन ऑथर, ये मिशेल फूको का है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। बी और सी सही है ऑप्शन फर्स्ट वाला। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, अब इसमें देखना है करेक्टली कौन कौन से मैच है। कल्चर एंड सोसाइटी रेमंड विलियम ने लिखा है, यहाँ पे जोनाथन क्यूलर दिया गया है तो गलत होगा। लिटरेरी थ्योरी ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इसको किसने लिखा है? लिटरेरी थ्योरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इसको टेरी एगल्टन ने लिखा है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। क्रिटिसिज्म एंड आइडियोलॉजी, ये सही है, टेरी एगल्टन का है। वोल्टर बेंजामिन का एलुमिनेशन है, ये भी सही है। स्टैनले फिश ने एम्प्लाइड रीडर नहीं, इसको वुल्फगैंग एसर ने लिखा है, ये भी गलत होगा। तो सी और डी इसमें सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। आगे है फिर विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेथड्स एंड मेथोडोलॉजीज इन लिटरेरी रिसर्च, मेथड क्या होता है और मेथोडोलॉजी। देखो थोड़ा सा मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो मैं एक बुक लिख रहा हूँ, तो मैं बुक लिखूंगा अपने मेथड्स को यूज करके। अब आप उस बुक को स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में कंसर्न कर रहे हैं, तो आप अपनी मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं वहां पे, आप अपने मेथड यूज नहीं, मेथड मैंने यूज किए हैं अपनी बुक लिखते टाइम। अब आप उसको स्टडी कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपनी मेथडोलॉजी यूज करके, ठीक है ये थोड़ा सा समझ लो। तो बोथ आर आइडेंटिकल इन नेचर, क्या दोनों एक जैसे होते हैं नेचर में, समरूप होते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं। मेथड आर कंसर्न्ड विद हाउ वन कंडक्ट ए गिवन पीस ऑफ रिसर्च, मान लो मैंने एक बुक लिखी है, किस तरह के मेथड मैंने उसमें यूज किए हैं, ठीक है उसको मेथड बोलते हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड वाला सही है, मेथडोलॉजीज आर कंसर्न विद द वन कंडक्ट ए गिवन पीस ऑफ रिसर्च, नहीं इसको तो मेथड बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा। मेथडोलॉजीज आर कंसर्न विद प्रस्पेक्टिव वन ब्रिंग्स टू बियर नो वंस वर्क ओन वंस वर्क, तो मेथडोलॉजी क्या होता है, जब आप कंसर्न करते हैं अपने प्रस्पेक्टिव यूज करके उस बुक पे काम करते हैं, ठीक है तो उसको बोलते हैं मेथडोलॉजी। तो ये सही है, और ये फिर से मेथडोलॉजी का नीचे दिया गया है, तो ये यहाँ पे मेथड दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें बी और डी सही होगा, बी और डी है ऑप्शन नंबर फोर्थ में। आगे है फिर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश सब्जेक्ट सेंटर रिपोर्ट स्किल नीडेड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क इन इंग्लिश इंक्लूड, अब इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कौन कौन से स्किल की जरूरत पड़ती है। सर्चिंग स्किल की जरूरत पड़ेगी, सर्चिंग स्किल इन लाइब्रेरीज, एडिटोरियल स्किल की जरूरत पड़ेगी, बिब्लियोग्राफिकल की जरूरत पड़ेगी, और पीयर मैनेजमेंट स्किल, पीयर मैनेजमेंट स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। ये एसेंशियल कहाँ पे होता है, लीनियर रिलेशनशिप में, यानी कि इट इन्वॉल्व लीनियर रिलेशनशिप वेयर एज टीम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट हायरार्की,
जहां पे टीम मैनेजमेंट होती है वहां पे पीयर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है और आईटी स्किल की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसमें ए बी और सी ई, ए बी सी ई है ऑप्शन फोर्थ में। नेक्स्ट है फिर विच अमंग द फॉलोइंग आर पॉसिबल वेज ऑफ टर्निंग ए टॉपिक इनटू एन आर्ग्यूमेंट, कौन से वे ऐसे पॉसिबल है जहां पे एक टॉपिक आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है। पढ़ते हैं, एन आर्ग्यूमेंट फॉर एन फॉर और अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग क्रिटिक इन रिलेशन टू द ऑथर और ए ग्रुप ऑफ वर्क्स वन इज स्टडिंग, क्या ये टॉपिक ऐसे चेंज हो सकता है आर्ग्यूमेंट में, जब एक आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट एक एग्जिस्ट कर रहा है क्रिटिक, ठीक है, तो उसके रिलेशन में ऑथर उसके वर्क्स को स्टडी करते हैं, बिल्कुल हो सकता है, ये सही है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है इस चीज को लेकर। एन आर्ग्यूमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ न्यू थ्योरेटिकल अप्रोच, जब हम किसी चीज को लेकर किसी वैल्यू को या किसी भी आइडियाज से रिलेटेड हम उसमें नई अप्रोच डालते हैं तो वो भी एक आर्ग्यूमेंट बन सकता है। एन आर्ग्यूमेंट अबाउट सम हिस्टोरिकल और लिटरेरी हिस्टोरिकल, तो कुछ हिस्टोरिकल मान लो कोई भी डेटा है उसको लेकर अगर हम बहस करेंगे तो वो भी एक आर्ग्यूमेंट बन सकती है। मान लो कोई भी पुराने जो ग्रंथ है उनको लेकर, लाइक रामायण महाभारत है जो, उनको लेकर अगर हम कोई भी डिबेट करते हैं तो वो एक आर्ग्यूमेंट बन सकता है, ठीक है। तो एन आर्ग्यूमेंट शोइंग हाउ पर्टिकुलर थीम और कॉन्सेप्ट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ टेक्स्ट, नहीं ये नहीं है आर्ग्यूमेंट का कोई टॉपिक कि कैसे करना है, क्या पर्टिकुलर थीम होनी चाहिए। एन आर्ग्यूमेंट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ओनली वेल नोन ऑथर, ये जरूरी तो नहीं है कि वेल नोन ऑथर के लिए होता है, कोई भी जो ऑथर जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है उस पर भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो ये भी गलत होगा, ए बी सी इसका सही है। आगे है फिर मैच करना है लिस्ट को, इसमें श्री अरबिंदो की बुक दी गई है, देखो कौन सी है, श्री अरबिंदो ने लिखा है सावित्री को, ए का फोर्थ होगा, ए का फोर्थ है सिर्फ एक ऑप्शन में, ठीक है। आगे भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कमला दास ने लिखा है ओल्ड प्ले हाउस, बी का फर्स्ट है, और पुरुषोत्तम लाल ने लिखा है कलकत्ता ए लॉन्ग पोएम, ये सेकंड वाला आ गया, तोरुदत्त का है थर्ड, ए सेफ ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। अब मैच वाले ही आएंगे, लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। वॉल्ट विटमैन ने क्या लिखा है, बीट बीट ड्रम्स, ये वॉल्ट विटमैन का है, एडी होप ने ऑस्ट्रेलिया लिखा है, तो ए का हो गया थर्ड और बी का हो गया फोर्थ, ए थर्ड बी फोर्थ कौन से में है, ऑप्शन थर्ड में। डायरेक वॉलकॉट ने फायर फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका लिखा है, सी का सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड दिया गया है, डी का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फिर लिस्ट, फिर मैच करनी है, लाइन दी गई है, कम व्हाट कम मे टाइम एंड द आर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे, ये मैकबेथ की लाइन है, मैकबेथ इसमें बोलना चाहता है कि जो भी काम होना है वो होकर रहेगा, टाइम को कोई नहीं बदल सकता, ये लाइन है मैकबेथ की, तो ए का आएगा, ए का थर्ड दिया गया है ऑप्शन नंबर थर्ड में, बी का फोर्थ, व्हेन सोरो कम दे केम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन, जब प्रॉब्लम्स आती है ना लाइफ में तो वो अकेले नहीं आते, जब दुख आते हैं तो वो अकेले नहीं आते, पूरे के पूरे बटालियन के साथ आते हैं, ये बोला है हेमलेट ने, बी का फोर्थ आएगा। आई एम ए मैन मोर सिन अगेंस्ट देन सिनिंग, ये बोली है किंग लियर ने, लियर बात करता है जब वो अपनी दोनों बेटियों को अपनी पूरी प्रॉपर्टी बांट देता है और छोटी बेटी को कुछ नहीं देता, तब उसको रिग्रेट होता है, गिल्ट फील होता है, ये लाइन वहां से आई है। और लास्ट वाली, बट आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव, ये ओथेलो में इयागो ने बोली है लाइन, ठीक है, तो इसका फर्स्ट का आएगा थर्ड, फर्स्ट का थर्ड इसमें है, तो ये थर्ड ही सही होगा। आगे फिर मैच करते हैं, दोबारा से लाइन दी गई है, यू कांट ईट द ऑरेंज एंड थ्रू द पील अवे ए मैन इज नॉट ए पीस ऑफ फ्रूट, ये किसने बोला है, ये डेथ ऑफ सेल्समैन में है, ए का थर्ड आएगा, तो ए का थर्ड देखो कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ वाले में है। और उसके बाद आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, लिबर्टी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज वाई मोस्ट मैन ड्रेड, ये है मैन एंड सुपरमैन से, बी का फर्स्ट आ जाएगा, नोबडी थिंक्स नोबडी केयर नो बिलीफ नो कन्विक्शन और एंड नो एंथुजियाज्म जस्ट अनदर संडे इवनिंग, संडे इवनिंग संडे से शुरुआत होती है लुक बैक इन एंगर की, जॉर्ज ऑसबोर्न का वाक है ये, तो सी का फोर्थ आएगा, सी का फोर्थ दिया गया है ऑप्शन फोर्थ में, देखो सी का फोर्थ दिया हुआ है, तो डी का सेकंड हो जाएगा, डॉल हाउस की है ये, आवर होम हैज बीन नथिंग बट ए प्ले रूम, ठीक है।
नेक्स्ट फिर मैच करना है एंथ्रोपोलॉजी, ये क्लाउडे लेविस स्टोस ने लिखा है एंथ्रोपोलॉजी, तो ए को मैच करेंगे थर्ड के साथ। पोस्ट मॉडर्न जियोग्राफी, पोस्ट मॉडर्न जियोग्राफी लिखी है एडवर्ड सोहा ने, ये इसका आ जाएगा। डायस्पोरिक स्पेस, ये अवतार ब्रा ने लिखा है और डेइज्म मार्टिन हेडिगर ने, तो डी का सेकंड, डी का सेकंड जो है इसमें दिया गया है। ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है, ठीक है। आगे फिर मैच करना है द पोएटिक ऑफ प्रोज, पोएटिक ऑफ प्रोज लिखा है जैवतन टेड्रो ने, और उसके बाद है स्ट्रक्चरलिस्ट पोएट्री, स्ट्रक्चरलिस्ट पोएट्री को लिखा है जोनाथन क्यूलर ने, तो इसको मैच करेंगे इसके साथ। फर्स्ट का जो है वो सेकंड होगा और बी का फोर्थ हो गया। द एम्प्लाइड रीडर, ये वुल्फगैंग एसर ने लिखा है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, सी का फर्स्ट। और इज देयर टेक्स्ट इन द क्लास, इसको लिखा है स्टैनले फिश ने, डी का थर्ड, डी का थर्ड जो है ये दिया गया है इसमें। ए सेकंड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट और डी थर्ड, इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट फिर मैच करना है, प्लेटो ने लिखा है सिंपोजियम, ए का सेकंड आएगा, सेकंड इसमें दिया गया है, बी का। एरिस्टोटल ने रिटोरिक लिखा है, पी बी सेल ने डिफेंस ऑफ पोएट्री और सिडनी ने अपोलॉजी फॉर पोएट्री, सारे मैच कर रहे हैं, सही है फोर्थ वाला। नेक्स्ट है फिर लिस्ट को मैच करना है, बर्ट्रेंड रसल ने लिखा है क्या, वर्बल आइकन वेल रोट ऑन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, बस इसने लिखा है थर्ड वाला। और टी एस इन, अब थर्ड दिए गए हैं इसमें भी है, चारों में ही थर्ड दिए गए हैं। देखो आगे देखते हैं, टी एस एलियट ने लिखा है द सेकेंड बुक, ये फोर्थ आएगा और फोर्थ दिया गया है फर्स्ट में ही, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विमजट और डब्ल्यू के विमजट ने वर्बल आइकन लिखा है, क्लिंट ब्रुक्स ने द वेल रोट अन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, यहां से तीन चार बार क्वेश्चन आए हैं, दो बार तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें एक चैप्टर का नाम है, 11th चैप्टर है, द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, तो हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज किससे एसोसिएट करती है, इट वॉज एसोसिएटेड विद क्लिंट ब्रुक्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट है फिर नेगेटिव कैपेबिलिटी, इस बार यहाँ पे कुछ फ्रेज दिए गए हैं, लिटरेरी टर्म्स दी गई है, यहाँ पे ऑथर के नाम है। नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन किट्स ने कॉइन किया है, स्वीटनेस एंड लाइट मैथ्यू आर्नोल्ड, एसमे प्लास्टिक एस टी कॉलरेज का है, और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये टी एस एलियट का है, तो फर्स्ट को फोर्थ के साथ मैच किया, दो में दिया गया है। स्वीटनेस एंड लाइट का है फर्स्ट, बी का फर्स्ट आएगा, ये है फोर्थ में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ सही, राइट। नेक्स्ट फिर कैरेक्टर दिए गए हैं इस बार, और दूसरी तरफ प्ले के नाम दिए गए हैं, तो इसमें कैरेक्टर मुनीरा, मुनीरा है पीटल्स ऑफ ब्लड में, न्योगो है जॉय ऑफ मदरहुड में, और एकेमे फ्यूना है थिंग्स फॉल अपार्ट में, चिन्वा एचपी का वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट। इसमें एकेमे फ्यूना जो है इसका मर्डर कर दिया जाता है इसके फादर के द्वारा, इसके फादर ओकोंको को जब बोला जाता है, एक एल्डर मैन होता है गांव में, वो बोलता है कि हमारे एकेमे फ्यूना हमारे एक एनिमी ट्राइब से है, तो इसको मारना पड़ेगा, इसलिए इसका मर्डर कर दिया जाता है। और मरियन जो है ये जुलाइस पीपल से आती है, तो फर्स्ट का हो गया मुनीरा पीटल्स ऑफ ब्लड से है, ए का सेकंड है फर्स्ट ऑप्शन में, बी का फोर्थ आएगा, एकेमे फ्यूना आता है थिंग्स फॉल अपार्ट से, सी का, इसमें सी का आ जाएगा फर्स्ट, तो फर्स्ट में दिया गया ये सारा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है उसके बाद चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग टेक्स्ट वर रिटन, अब क्रोनोलॉजी में सेट करना है इनको। लेसिडस लिखा है मिल्टन ने 1638 में, हीरो एंड लियंडर क्रिस्टोफर मार्लोव का है अनकम्प्लीट, बट कम्प्लीट किया था इसको जॉर्ज चैपमैन ने, क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है ये, 98 में है ये। मास्क कॉमिस को लिखा है फिर मिल्टन ने 1634 में, पैराडाइज लॉस्ट को भी मिल्टन ने लिखा है 1667 में, वेस्टलैंड टी एस एलियट का है 1922 में, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, और 15 वाला सबसे पहले आएगा, तो बी पहले आएगा और ई सबसे लास्ट में है। अब देखो बी सबसे पहले दिया गया इसमें और ई सबसे लास्ट में है, ठीक है, तो सेकंड वाला आ जाएगा इसमें, इस तरह से मैच कर लिया करो इनको कि सबसे लास्ट में कौन सा आना चाहिए, सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट इन अकॉर्डेंस विद योर ईयर्स ऑफ बर्थ, अब बर्थ के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। देखो इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो सही नहीं दिए गए थे। रुडयार्ड किपलिंग पैदा हुआ था 1800
65 में, रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 में है। देखो ये रुडयार्ड किपलिंग जो है ये मुंबई में पैदा हुआ था, ठीक है। इंडियन बोर्न ऑथर भी आप याद रखना, रुडयार्ड किपलिंग मुंबई में बोर्न है, और विलियम मैकपीस ठैकरे कलकत्ता बोर्न, लॉरेंस ड्यूरल जालंधर बोर्न, जॉर्ज ऑरवेल जो है वो मोतिहारी में पैदा हुआ था। तो इन ऑथर के नाम याद रखना जो इंडिया में पैदा हुए थे। और जॉन मैसफील्ड 1878 में बर्थ है इनका, ए हाउसमैन का है 1859 में, और जॉन डन का है 1572 में। तो सबसे पहले तो देखो 15 वाला आएगा, ठीक है, तो ई सबसे पहले आ जाएगा। अब तीन ऑप्शन में दिया गया है ई, उसके बाद सेकंड कौन सा आना चाहिए, बी 1812 बी आएगा। अब उसके बाद डी आना चाहिए, अब ई बी डी, और उसके बाद आ जाएगा फिर हाउसमैन, ए हाउसमैन, ठीक है, डी आ गया। देन इसके बाद 65 वाला रुडयार्ड किपलिंग, फिर जॉन मैसफील्ड, मैसफील्ड सबसे लास्ट में आएगा। ई बी डी ए सी, ई बी डी ए सी जो है वो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है, सबको इसके इक्वल मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद अरेंज द वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं। राजमोहन्स वाइफ को चटर्जी ने लिखा है, 1864 में इसको लिखा गया था, और ए बैंड इन गंगाज इसको मनोहर मेलगोनकर ने लिखा है 1964 में, कांथापुरा राजा राव का है, राजा राव ने इसको लिखा था 1938 में, अनटचेबल आर के नारायण 1930, डिस्टेंट ड्रम फिर मनोहर का है ये वर्क 1974। अब सबसे पहले तो आएगा 18 वाला, ये चारों में ही दिया गया है ए ए। अब 19 में सबसे पहले क्या आना चाहिए, अनटचेबल डी, उसके बाद सी, देन उसके बाद 1964 बी, और फिर ई। तो सबसे पहले ए डी सी बी ई, ए डी सी बी ई दिया है ऑप्शन थर्ड में, तो थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ चार्ल्स डिकेंस नॉवल, चार्ल्स डिकेंस की पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग सेट करना है। देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट राइटर है उनके ध्यान रखा करो कि कौन सा वर्क सबसे पहले लिखा गया था। तो इसमें पिकविक पेपर है जिसको सबसे पहले लिखा गया था, तो पिकविक पेपर की डेट है 1837, ठीक है, सबसे पहले आएगा ये सी में, एक ही ऑप्शन में दिया गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे इनकी डेट में बता देता हूं आगे, पहले अगर हम बात करें ओलिवर ट्विस्ट की, तो ओलिवर ट्विस्ट को 1837 से लेकर 39 के बीच में है। डोम्बी एंड सन इसका 1846 से 48 है, 46 से 48, पिकविक पेपर 1837 में है। ब्लीक हाउस आएगा फिर 1853 में, और डेविड कॉपरफील्ड 1850 में, ये सबसे लास्ट में आना चाहिए था, इसमें ये गलत दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन में ये भी सही नहीं, इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप किया जाना था, बट सबको इसके मार्क्स नहीं मिले क्योंकि ऑप्शन इन्होंने सही नहीं दिए थे। दोबारा से फिर से इस क्वेश्चन को जब दोबारा फाइनल आंसर की आई थी तब भी इसमें कोई चेंज नहीं था, ठीक है, तो इसके ऑप्शन होने चाहिए थे सी, उसके बाद ए, देन बी, फिर ई और फिर डी, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द स्टेजिंग पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग प्ले, अब इन प्ले की भी डेट देखनी है। ए वुमन किल्ड विद काइंडनेस, वुमन किल्ड विद काइंडनेस थॉमस हेवुड का है ये कब पब्लिश किया गया था, 1607 में इसको। जोसफुल अदर आइलैंड ये 1904 में है। द डबल डीलर विलियम कॉन्ग्रीव का है 1693 में। शूमेकर हॉलीडे थॉमस डेकर ने 1600 में। और द कॉन्शियस लवर ये रिचर्ड स्टील का है 1722 में। अब लास्ट में सबसे लास्ट में आएगा ये जो 20th सेंचुरी का है, बी आएगा सबसे लास्ट में, देखो बी दिया गया है सबसे लास्ट में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अरेंज द वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, फिर सीक्वेंस में सेट करना है। द थिएटर ऑफ रिवोल्ट बाय रॉबर्ट ब्रूस्टन, थिएटर ऑफ रिवोल्ट रॉबर्ट ब्रूस्टन 1964 है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड मार्टिन एस्लिन का है, ये एमएस कब हुआ था 1950s और 60s के आसपास, 1950s और 60s में। उसके बाद है
द प्ले राइट एज थिंकर बाय एरिक बेंटले, ये 1946 में है। मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा 2000 में है। मॉडर्न ड्रामा इन ये 1981 में है। तो ये सबसे 2000 वाला सबसे लास्ट में आएगा, डी, डी ऑप्शन है इसमें, तो इसका आ जाएगा डी। उसके बाद आगे है, फिर से क्रोनोलॉजी में सेट करना है। अब की बार ये मिशेल फूको की बुक्स दी गई है, सारी तो नहीं है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन को 1961 में पब्लिश किया गया था। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये भी मिशेल फूको का है, 69 में है। लैंग्वेज ऑफ सेल्फ, ये जैक्स लाका की है, 1968 में है। द बर्थ ऑफ क्लिनिक, ये भी फूको का है, 1963 में। कल्चर एंड अनार्की 1869 में। तो सबसे पहले 18 वाला आएगा ई, देखो ई तीन ऑप्शन में दिया गया है। अब सबसे लास्ट में कौन सा आना चाहिए, 1969 वाला बी। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ये ऑप्शन ऐसे नहीं आने चाहिए थे। इसका सबसे पहले आएगा ई, उसके बाद ए मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, देन डी, उसके बाद लैंग्वेज ऑफ सेल्फ सी, फिर उसके बाद बी, ई ए डी सी बी। तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये सारे गलत हैं। और इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप नहीं किया गया, यहाँ भी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो कटे हैं, बहुत गलत हुआ है उनके साथ। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज अपीयर्ड। अब जो ये थ्योरी अपीयर्ड हुई थी उनके अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। स्ट्रक्चरलिज्म जो है 1950s के आसपास एमर्ज हुई थी। साइको एनालिसिस 1890s में है। इको क्रिटिसिज्म 1970s के आसपास है। ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सईद का है ना, 1978 में है ये। न्यू क्रिटिसिज्म आया था 1920s में। अब देखो यहां भी कंफ्यूजन है, 70s और ये भी 70s में ही है। और इसमें सबसे पहले 18th वाला साइको एनालिसिस आएगा, बी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद इको क्रिटिसिज्म 1970s में है ये, तो ये भी दो ऑप्शन में दिया गया है, ये भी दो में दिया गया है। अब यहाँ पे ई का न्यू क्रिटिसिज्म आ गया। अब उसके बाद 50s वाला आएगा स्ट्रक्चरलिज्म, अब ए आ जाएगा, ए यहाँ पे है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, फिर अरेंज द वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। दोबारा फिर क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन है, देखो 10-12 क्वेश्चन आए हुए हैं क्रोनोलॉजी में, तो डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये डेट अच्छे से याद करनी है, कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आपको, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाएगी। और ये जो पेपर की पीडीएफ है ये भी मैं वहीं पे आपको शेयर कर दूंगा। अब मैथ्यू आर्नोल्ड का कल्चर एंड अनार्की है, 1869 में आया था ये। थॉमस ब्राउन का एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली बहुत बार पब्लिश किया गया था इसको, इसके 5-6 बार पब्लिकेशन डेट है, 1621 में है ये। थॉमस होब का लेवियाथन है 1651 में। और वॉल्टर पीटर का स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा है 1873 में। पीबी सेले का डिफेंस ऑफ पोएजी है 1840 में। तो सबसे पहले ये आएगा 1621, देन 1651, तो बीसी है ना, इसमें पहले में ही है, बीसीईएडी। ओके, आगे चलते हैं फिर। अरेंज द वर्क्स फिर क्रोनोलॉजी में है। स्ट्रक्चरलिस्ट पोएटिक्स को लिखा है जोनाथन क्यूलर ने 1975 में। कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक 1916 में है। द परस्यूट ऑफ साइन किसने लिखा है, ये भी क्यूलर का ही है, 1981 में है। प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट रोला बार्थ का है 1973 में। और एम्प्लाइड रीडर वुल्फगैंग एसर का है ये 1974 में। तो इसका बी डी बी आएगा, फिर डी ई ए सी, बी डी ई ए सी दिया है ऑप्शन सेकंड। फिर कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो क्या बोलती है, द बुक ऑफ द थिएटर ऑफ रिवोल्ट वॉज रिटन बाय रॉबर्ट ब्रूस्टेन। रॉबर्ट ब्रूस्टेन ने लिखा है, बिल्कुल सही है। द बुक ऑफ द थिएटर ऑफ द रिवोल्ट इज रिटन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। क्या इसको फ्रेंच रिवोल्यूशन
के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था? नहीं, इसमें उसने आर्ग्यू किया है कि जो रूट्स है मॉडर्न थिएटर की वो फाउंड की गई है। इसमें 8 आउटस्टैंडिंग प्लेराइट की बात की थी, हेनरिक इब्सन है, स्टिनबर्ग है, एंटोन चेखोव, जीबी शॉ, बर्टोल्ड ब्रेख्त, लुई पिरांडेलो, यूजीन ओनील, जीन जेनेट, इन 8 आउटस्टैंडिंग प्लेराइट्स की वहां पे बात की है। तो ये मॉडर्न थिएटर के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है जो उसके रूट्स है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्रॉस होगा। ए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड इसमें फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, स्टेटमेंट फर्स्ट है, कॉन्स्टांटिन स्टैनिस्लावस्की कोलैबोरेटेड विद एंटोन चेखोव टू स्टेज ऑन स्टेज ड्रामा ऑन स्टेज। ठीक है, इसने कोलैबोरेशन किया है एंटोन चेखोव के साथ, बिल्कुल सही बात है। द बुक ऑफ माई लाइफ इन आर्ट वॉज रिटन बाय कॉन्स्टेंट स्टैनिस्लावस्की, क्या ये भी सही है? ठीक है, ये भी सही है, ऑटोबायोग्राफी है। द बुक ऑफ माई लाइफ इन आर्ट वॉज रिटन बाय कॉन्स्टेंट स्टैनिस्लावस्की, ठीक है, दोनों सही है। तो इसमें फॉल्स है दोनों, इसमें दोनों ट्रू है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर आगे स्टेटमेंट दी गई है, ह्यूमन बॉडीज लाइक दोज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ओनली सेक्स्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर नैरो पर्सपेक्टिव, सही है ये। ह्यूमन बॉडीज दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, आर ओनली सेक्स्ड, मोस्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट वी अंडरटेक इन आवर लाइफ टाइम हैज नथिंग टू डू विद सेक्स, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही होगी, फर्स्ट आ जाएगा इसमें। फिर स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज आर दोज इन विच स्टूडेंट मस्ट वर्क टूगेदर इन ऑर्डर टू कम्प्लीट ए टास्क और सोल्व ए प्रॉब्लम। अब देखो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, जहां पे मेल या फीमेल जो भी लर्नर होते हैं वो एक साथ बैठकर किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है, उसको कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं। ये एजर्सन सही है। अब रीजन देखते हैं, दीज टेक्निक आर यूज टू आइडेंटिफाई ए वीक लर्नर, क्या ये जो एक्टिविटीज होती है ये एक वीक लर्नर को आइडेंटिफाई करती है? बिल्कुल नहीं, ये आइडेंटिफाई नहीं करती है, ये तो सिर्फ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं एक साथ मिलके, ना ही उसको उसमें सेपरेट किया जाता कि उसकी स्पेशल केयर की जाती है उसमें, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ इसमें ग्रुप में काम किया जाता है। कोऑपरेटिव एक लड़का और लड़की जो है, यानी कि मेल फीमेल एक साथ मिलकर काम करते हैं, या जो भी स्टूडेंट्स क्लास में है वो इकट्ठे एक ग्रुप में काम करते हैं, वो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है। तो इसमें पहला तो सही है और इसका रीजन गलत है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, थर्ड आएगा इसमें सही। फिर आगे है, एसर्शन रीजन ही दिया गया है, इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग इन द सेम क्लासरूम सेटिंग सम स्टूडेंट्स प्रोग्रेस रैपिडली थ्रू द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज व्हाइल अदर्स स्ट्रगलिंग मेकिंग वेरी स्लो प्रोग्रेस। देखो सेम क्लासरूम सेटिंग में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा तेजी से सीखते हैं और कुछ बहुत ही स्लो प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि सबका आईक्यू लेवल जो है वो अलग होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। सम लर्नर्स नेवर अचीव नेटिव लाइक कमांड ऑफ ए सेकंड लैंग्वेज, कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जो कभी भी अचीव नहीं कर पाते अपनी नेटिव लैंग्वेज की तरह, कमांड नहीं कर पाते सेकंड लैंग्वेज पे, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये एसर्शन जो है, ये रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे सेम क्लासरूम सेटिंग की बात है, स्लो और स्पीड से लर्न करने की बात है, तो इसमें ऐसा नहीं है, ये कह रहा है कि कभी अचीव ही नहीं कर पाते, बात तो सही है लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। अब आगे है फिर, ये स्टेंजा के क्वेश्चन दिए गए हैं, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, हम 90 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, इसी तरह से हम इवनिंग शिफ्ट का पेपर भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि अब आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएंगे, जिसमें हम रिवीजन करेंगे, जैसे एंग्लो चौसर की एज का रिवीजन करेंगे, एलिजाबेथन एज है, डार्क एज है, इस तरह से हर एक एज को हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक।